हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ कला पत्रिकाएं लेके आया हूँ जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी एनवीएस और केवीएस के एग्जाम्स में आई हुई हैं। और अभी एनवीएस और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कुछ पत्रिकाएं जो हैं रिपीट आती हैं और कुछ गैप करके भी आती हैं कुछ साल में, तो सारी पत्रिकाओं को हम देखेंगे पूरे डिटेल के साथ। आइए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली पत्रिका है वो है मार्ग पत्रिका। मार्ग पत्रिका जो है ये मुल्कराज आनंद जी इसके संपादक हैं। ये मुंबई से निकलती है। अधिकांश क्वेश्चन में यही पूछता है कि पत्रिकाओं के संपादक कौन है या फिर वो कहाँ से प्रकाशित होती है। तो हमारी पहली जो पत्रिका है मार्ग पत्रिका, वो मुंबई से प्रकाशित होती है। इसका प्रकाशन 1946 में स्टार्ट हुआ था। ये कला और वास्तुकला से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है जो कि काफी एग्जामों में पूछी गई है। मार्ग भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित कला पुस्तक प्रकाशकों में से भी एक है, तो इसलिए इसको याद रख लेंगे। मार्ग पत्रिका मुंबई से प्रकाशित हुई थी, 1946 में स्टार्ट हुआ था। कला वास्तुकला से संबंधित है और इसके संपादक हैं मुल्कराज आनंद। हमारी दूसरी पत्रिका है कॉन्ट्रा पत्रिका, जिसके संपादक हैं जे स्वामीनाथन जी। जो कॉन्ट्रा पत्रिका है ये 1966 में पब्लिश हुई थी स्टार्टिंग में, जो कि जे स्वामीनाथन जी ने और एक मैक्सिकन कवि थे ऑक्टोवियो पॉज, उनके साथ मिलके स्टार्ट किया था इन्होंने। ऑक्टेवियो पॉज काफी फेमस मैक्सिकन कवि हैं। जगदीश जो जे स्वामीनाथन है, इनका पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन, 1928 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 1966 में इन्होंने कॉन्ट्रा स्टार्ट किया था ऑक्टेवियो पॉज के साथ। तो क्वेश्चन में हमेशा कॉन्ट्रा में भारतीय कलाकार को ही पूछता है कि किसने कौन संपादक रहे हैं, जे स्वामीनाथन, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेवियो को भी याद रख लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में इनको पूछ ले कि जे स्वामीनाथन ने किसके साथ ये पत्रिका स्टार्ट की थी, तो ये ऑक्टेवियो पॉज जो कि मैक्सिकन कवि हैं। और इसके अलावा जगदीश स्वामीनाथन जो है उन्होंने सरिता पत्रिका के लिए भी काम किया है जो कि बच्चों के लिए है। ये भी याद रखेंगे कि जो सरिता पत्रिका है बच्चों के लिए, इन्होंने कहानियां लिखी थी उसमें, ठीक है। तो कांट्रा पत्रिका जो है से जे स्वामीनाथन इसके संपादक हैं और ऑक्टेवियो पॉज के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। तीसरी जो हमारी पत्रिका है थर्ड, वो है रंग प्रसंग, जो कि प्रयाग शुक्ल जी ने संपादित की थी इसको, प्रयाग शुक्ल। और ये पत्रिका जो है पश्चिम बंगाल से प्रकाशित हुई थी, पश्चिम बंगाल से। और प्रयाग शुक्ल और भी काफी सारी पत्रिकाओं के लिए फेमस हैं, जैसे कि उनकी एक पत्रिका है संगना। संगना पत्रिका है जो कि संगीत नाट्य अकादमी से निकलती है संगना, तो ये भी याद रख लेंगे। बाकी रंग प्रसंग जो हमारी पत्रिका है ये कला से संबंधित है और पश्चिम बंगाल से निकलती है, प्रयाग शुक्ल जी इसके संपादक हैं। जो हमारी अगली पत्रिका है फोर्थ पत्रिका, यह है वृश्चिक। ये वृश्चिक पत्रिका है। वृश्चिक पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं जीएम शेख, यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख। पूरा नाम इनका है गुलाम मोहम्मद शेख। और गुलाम मोहम्मद शेख के साथ हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पूछा है कि वृश्चिका पत्रिका के संपादक कौन है, तो जीएम शेख करेक्ट आंसर है। लेकिन जीएम शेख के साथ भी एक कलाकार थे, वो थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर है यहाँ पे एक कलाकार, तो वो भी इसके संपादक में उनके साथ थे, जीएम शेख के साथ भूपेन खक्कर। तो वृश्चिका पत्रिका 1963 से स्टार्ट हुई थी, 73 तक चली थी ये। जीएम शेख और भूपेन खक्कर इसके मेन संपादक थे, तो ये याद रख लेंगे वृश्चिका के लिए।
नेक्स्ट जो हमारी पत्रिका है, काफी बार आई हुई एग्जाम में, वो है रूपम पत्रिका। रूपम जो है पत्रिका, वो उधेंद्र कुमार गांगुली की पत्रिका है, शॉर्ट में हमेशा नाम देता है ओसी गांगुली। ओसी गांगुली की पत्रिका है ये, या उधेंद्र कुमार गांगुली, ये इनका पूरा नाम है। ये जो पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका थी, मंथली मंथली में प्रकाशित होती थी। और इसके जितने भी खंड आए, वो प्रत्येक खंड में 106 पेज होते थे, 106 पृष्ठ होते थे। अंग्रेजी में थी ये पत्रिका, इंग्लिश पत्रिका है। इसके टोटल 44 अंक ही पब्लिश हुए हैं रूपम के, ये भी याद रख लेंगे। इसकी एक और खास बात थी कि इसके प्रत्येक पृष्ठ पर जो मूल चित्र होते थे कि किसी भी आर्टिस्ट के, उसके लिथो प्रिंट लगे होते थे, लिथो प्रिंट होते थे इसके सारे पृष्ठों पर। तो रूपम पत्रिका, ओसी गांगुली इसके संपादक हैं, पूरा नाम उनका उधेंद्र कुमार गांगुली। ये मासिक पत्रिका है, प्रत्येक पृष्ठ पर मूल चित्रों के लिथो प्रिंट छपे होते थे। और इस ये अंग्रेजी में पत्रिका है, इंग्लिश मैगजीन है, और इसके 44 अंक तैयार हुए थे। तो इतना याद रख लेंगे रूपम के लिए। जो हमारी अगली पत्रिका है, वो है कलाएं आसपास। ये जो कलाएं आसपास पत्रिका है, ये विनोद भारद्वाज जी की है। विनोद भारद्वाज, इन्होंने कला से संबंधित काफी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। तो विनोद भारद्वाज की कलाएं आसपास, और इनकी एक वृहत कला कोश भी पुस्तक है, उसको भी यहीं से याद रख लेंगे कि वृहत कला कोश, ये भी इनका है। तो कलाएं आसपास और वृहत कला कोश, ये विनोद भारद्वाज जी की हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी आती है पत्रिका, वो है मॉडर्न रिव्यू। ये द मॉडर्न रिव्यू, ये मंथली रिव्यू है। इसके जो संपादक हैं, वो है रामानंद चटर्जी। ठीक है, जैसा कि ये मॉडर्न रिव्यू बुक का फर्स्ट पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ एडिटर रामानंद चटर्जी। ये पत्रिका जो प्रकाशित होती थी, ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। ठीक, रामानंद चटर्जी इसके संपादक थे और कोलकाता से पब्लिश होती थी। अंग्रेजी की पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका है यानी मंथली। ये स्टार्ट हुई थी 1907 में। मॉडर्न रिव्यू, संपादक है रामानंद चटर्जी, कोलकाता से पब्लिश होती थी अंग्रेजी भाषा में। मासिक पत्रिका है, 1907 में इसका स्टार्ट हुआ। ये जो है कला से ही नहीं, राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, कविताएं, कहानियां, या फिर किसी यात्रा का वृत्तांत, सारे ही इसमें लिखे जाते थे। ठीक, तो यहाँ पे याद रख लेंगे इसकी जितनी भी डिटेल है, कि कोलकाता से प्रकाशित होती थी, अंग्रेजी भाषा में है, मासिक पत्रिका है, 1907 से प्रकाशन स्टार्ट है, और इसमें राजनीति, कहानियां, कविताएं, समाज नीति और यात्राओं का वर्णन भी लिखा जाता था। हमारी जो नेक्स्ट पत्रिका है, वो है हंस पत्रिका। ये जो हंस पत्रिका है, काफी प्रसिद्ध पत्रिका है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। ये जो पत्रिका है, मुंशी प्रेमचंद, हिंदी के हमारे महान इतिहासकार, कलाकार हैं। ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुई, 1930 में स्टार्ट हुई। इसके बाद ये भी मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका है ये। और प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद, ये जब इनकी मृत्यु हो गई प्रेमचंद जी की, तो इनके पुत्र थे, उनका नाम था अमृत राय। अमृत राय, अमृत राय जी ने इसका संपादन स्टार्ट रखा। अगर फर्स्ट पूछता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो देखिए अगर मुंशी प्रेमचंद होंगे तो प्रेमचंद जी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी। उनके मृत्यु के बाद फिर अमृत राय आए, ये सेकंड उनके पुत्र, ये कंटिन्यू किया इन्होंने। तो ये इसके बाद 1953 तक ये चला, 1953 में ये बंद हो गया। ठीक है, क्लोज हो गया ये पत्रिका का प्रकाशन, बंद हो गया 1953 में। उसके बाद अगेन ये स्टार्ट हुआ 1986 में,
1986 में ये स्टार्ट हुआ, उसको स्टार्ट किया राजेंद्र यादव ने। राजेंद्र यादव जी ने इसको पुनः प्रकाशित स्टार्ट किया और 2013 तक इसका प्रकाशन चला, जब तक कि राजेंद्र यादव जी की मृत्यु नहीं हो गई। राजेंद्र यादव जी ने 1986 में इसको पुनः प्रकाशन शुरू कराया और अपनी मृत्यु तक, यानी 2013 में इनकी मृत्यु हुई है, तब तक ये प्रकाशित करवाते रहे। इसकी मृत्यु के बाद फिर इनकी जो पुत्री थी उनका नाम है रचना यादव, तो रचना यादव ने अब फिर से प्रकाशन का काम कंटिन्यू रखा 2013 के बाद। और अभी इसके सह संत जो संपादक हैं वो संजय हैं, संजय सहाय है। तो इसमें डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है, अगर हंस के हंस का प्रकाशन किसने स्टार्ट किया तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उसका प्रकाशन किसने किया तो अमृत राय। जब 1986 में ये पुनः किसने प्रकाशन शुरू कराया तो राजेंद्र यादव जी ने। इसके बाद 2013 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पुत्री हैं रचना यादव ने कंटिन्यू किया, और अभी जो सह संपादक हैं वो संजय सहाय है। तो हंस के बारे में इतना कुछ है, याद रख लेंगे। इससे गांधी जी भी रिलेटेड हैं, इस पत्रिका से गांधी जी और कन्हैयालाल जो मुंशी हैं वो भी संबंधित हैं, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से याद रखेंगे पत्रिका को। इसके बाद है ललित कला कंटेम्प्रेरी, जो कि ललित कला कंटेम्प्रेरी जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निकलती है, अंग्रेजी भाषा में है ये। अंग्रेजी में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ये कहाँ से निकलती है, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा ये निकलती है ललित कला कंटेम्प्रेरी। इसके अलावा ललित कला एंशियंट भी वहीं से निकलती है। हिंदी में निकलती है एक पत्रिका समकालीन कला, समकालीन कला जो है वो भी वहीं से निकलती है, यानी कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में। अंग्रेजी में ललित कला कंटेम्प्रेरी जो कि ये है, और अर्धवार्षिक एक और है जो कि ललित कला एंशियंट उसको बोलते हैं। थर्ड में हिंदी आएगी, समकालीन पत्रिका एक निकलती है, तो ये याद रख लेंगे। अब ये जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1954 में हुई है इसकी स्थापना। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डीपी राय चौधरी हैं, काफी बार पूछा है एग्जाम में, डीपी राय चौधरी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो क्षेत्रीय केंद्र में लखनऊ है, लखनऊ है, कोलकाता है, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, और भुवनेश्वर में भी है। तो ये सारे इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं, ठीक है, ये याद रख लेंगे। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वे श्री उत्तम पचारणे जी हैं, जो कि 2018 से स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक। तो इतना है मूलतः, ये याद रखेंगे, जो ललित कला कंटेम्प्रेरी बुक है ये ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है, ठीक है। और हिंदी में पत्रिका वहाँ की प्रसिद्ध है समकालीन कला। ये दोनों ही पत्रिकाएं पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद जो पत्रिका आती है वो है कला विमर्श, अभी हाल ही के एग्जामों में काफी बार आई हुई है कला विमर्श। कला विमर्श जो पत्रिका है ये अवधेश मिश्र जी की है, जो कि लखनऊ में शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है उसी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। तो अवधेश मिश्र याद रख लेंगे, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन लेटेस्ट के एग्जामों में आ रहे हैं। इनकी ये पत्रिका है, उसके अलावा बिजुका सीरीज इनकी है, वो भी एग्जाम में आई है, बिजुका श्रृंखला, वो भी आप याद रखिए क्योंकि ये आ चुकी है एग्जाम में। तो बिजुका सीरीज और ये कला विमर्श जो है इनकी पुस्तक ये भी आई, तो अवधेश मिश्र की है ये। नेक्स्ट जो हमारी पत्रिका है वो है रूपलेखा। रूपलेखा जो है शारदा चरण उकील की पत्रिका है, शारदा चरण उकील, ठीक है। उकील बंधु जो थे उन्होंने नई दिल्ली में अपना एक कला विद्यालय भी खोला था, तो उसी में जो शारदा चरण उकील हैं उन्हीं की ये पत्रिका है जिसका नाम है रूपलेखा। तो याद रखिएगा कि रूपलेखा जो पत्रिका है वो शारदा चरण उकील की है। नेक्स्ट जो पत्रिका है वो है लाइफ एंड आर्ट,
लाइफ एंड आर्ट जो पत्रिका है, लाइफ एंड आर्ट, यह है के हेब्बर की। ठीक है, हेब्बर से एक आध क्वेश्चन निश्चित ही रहते हैं लगभग एग्जामों में। मुर्गे के चित्रण के लिए फेमस है, मुर्गे की लड़ाई इनका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, और रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी ये जो पत्रिका है उसका नाम है लाइफ एंड आर्ट, ये के हेब्बर की है, इतना याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी पत्रिका है वो पत्रिका है कला वार्ता। कला वार्ता जो पत्रिका है इसके संपादक हैं अभिषेक कश्यप जी। ठीक है, कला सम जो समकालीन कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनके इंटरव्यू इसमें हैं काफी सारे उनके। उन्होंने अभिषेक कश्यप जी ने इसमें साक्षात्कार लिया है उनका, तो सारे कलाकारों ने अपनी अपनी राय दी है इसमें। काफी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। तो कला वार्ता जो है वो अभिषेक कश्यप जी की है, याद रख लेंगे अच्छे से। पत्रिकाओं से एक दो क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे, तो इसलिए सारी पत्रिकाओं को टाइम निकाल के जरूर याद कर लीजिए। अभी ये पहला भाग है, इसके बाद और भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।